एबीपी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर के साथ, जो झारखंड में हुए खनन घोटाले को लेकर है। खनन सचिव पूजा सिंघल के घर से बरामद कैश को लेकर है और गिरफ्तार खनन सचिव जो झारखंड की हैं पूजा सिंघल, उनको लेकर नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में पूजा के सीए ने माना है कि उनके घर से जो करीब 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, उनमें ज्यादातर पैसा पूजा सिंघल का ही है। तो ये बड़ा खुलासा इस वक्त का। पूजा सिंघल के सीए सुमन ने यह मान लिया है कि उनके घर से जो 20 करोड़ रुपए बरामद किया गया था, उस 20 करोड़ रुपए में से ज्यादातर पैसा पूजा सिंघल का ही है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं शशांक रांची से, जो लगातार इस खबर पर अपडेट एबीपी न्यूज तक पहुंचा रहे हैं। शशांक, किस तरीके से यह पूरा मामला आगे बढ़ता जा रहा है और क्या कुछ और खुलासा हो रहा है अब तक हुई पूछताछ में? देखिए, पूछताछ जो है आज फिर होगी पूजा सिंघल से। वो ईडी के रिमांड में आज दूसरा दिन है और जो सीए सुमन है वो पिछले 5 दिन से ईडी के रिमांड में था, कल उसकी अवधि समाप्त हुई, फिर से 4 दिन के रिमांड पर ईडी ने सीए सुमन को लिया है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से भी हर दिन पूछताछ हो रही है, वो किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे हमें जानकारी मिल रही है। वहीं जो ताजे खुलासे हुए हैं वो हम बताना चाह रहे हैं। ईडी ने, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ईडी ने कोर्ट में लिखित जानकारी दी है कि सीए सुमन के यहाँ से जो करीब 19 करोड़ से ज्यादा कैश मिले थे उसको लेकर सीए सुमन ने स्वीकार किया है कि उसमें ज्यादातर जो कैश है वो पूजा सिंघल का है। एग्जैक्ट अमाउंट तो उसने नहीं बताया, लेकिन उसने ये जरूर स्वीकार किया है कि ज्यादातर कैश पूजा सिंघल का है। वहीं आईएएस पूजा सिंघल को रिमांड पर लेने के लिए ईडी ने कोर्ट में जो कॉपी फाइल की है उसमें ईडी ने इस बात का जिक्र किया है कि पूजा सिंघल जब खूंटी में उपायुक्त थी तब जूनियर इंजीनियर रामविनोद सिन्हा सीधे उनको रिश्वत देता था। खूंटी में पूजा सिंघल के अधीन एक अफसर जो काम करता था उसने यह बात ईडी को अपने स्टेटमेंट में दिया है। उस अफसर को ईडी ने इस मामले में अभियुक्त बनाया है। उस अफसर ने कहा है कि उसने 4 बार देखा है कि रामविनोद सिन्हा ने पूजा सिंघल को 500 रुपए की नोटों वाली 18 से 20 गड़ियां दी हैं। वह इस मामले में और बात सामने आ रही है कि पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा जो पल्स अस्पताल बनवाए हैं, बहुत बड़ा अस्पताल है, इसमें ईडी जांच से पता चला है कि अस्पताल के लिए 3 कट्ठा जमीन का रजिस्ट्री हुआ था, लेकिन अस्पताल 20 कट्ठा में बना है। वैसे ये जो जमीन है ये भुयारी जमीन थी जिसकी खरीद बिक्री संभव नहीं, लेकिन जालसाजी करके इस जमीन को खरीदा गया है। वहीं ईडी जांच में ये भी पता चला है कि पल्स अस्पताल के निर्माण में 70 करोड़, डायग्नोसिस सेंटर पे 40 करोड़ और इस अस्पताल में जो इक्विपमेंट लगे हैं इस पे 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसा ईडी जांच में पता चला है। वहीं ईडी जांच में ये भी सामने आया है कि सीए सुमन ने ये स्वीकार किया है कि पल्स अस्पताल की जमीन के लिए उसने पूजा सिंघल के कहने पे एक नामी बिल्डर को 3 करोड़। बिल्कुल शशांक, आप नजर बनाए रखे हैं, आप आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। लगातार नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है। जाहिर तौर पर सरकारी पद पर तैनात अधिकारियों को यहां से इस तरीके की कैश बरामदगी जनता में चिंता पैदा करती है पैसे को लेकर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।